आगे जा। तो ये है हमारा लंग्स का स्ट्रक्चर, ये है राइट, राइट लंग एंड लेफ्ट। राइट लंग में कितना लोग है? 3 लोग। ये है इंफीरियर वाला पोर्शन, क्या है? इंफीरियर। ये है मिडिल वाला पोर्शन, ये है सुपीरियर वाला पोर्शन, या फिर इसको लोअर भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है वो थोड़ा सा ब्रॉड है ना, ये वाला पार्ट जो है लंग्स का थोड़ा सा ब्रॉड है, इसको हम कहते हैं बेसल पार्ट। क्या बोलते हैं? बेसल पार्ट। और ऊपर का जो पार्ट है जो थोड़ा सा इसमें देखो एपेक्स टाइप है, इसको हम बोलेंगे एपेक्स। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में क्या अंतर होता है? ब्रोंकाई का मतलब है फर्स्ट डिवीजन, फर्स्टली ब्रांच हुआ, उसके बाद जो है वो सेकेंडरी मतलब और भी ज्यादा ब्रांच हुआ। नेक्स्ट आएगा टर्शियरी, और भी ब्रांचेस हुआ, लास्ट में ब्रोंकियोल्स। द मेन पार्ट क्या है? डिवीजन, जो डिफरेंस जो पूछा है रंजन, उसका डिफरेंस क्या है? हम लोगों ने कल पढ़ा था कार्टिलेज, पढ़ा था यस मैम। कौन से शेप का था? शीप शेप। ये कहाँ पर होता है? ट्राकिया में होता है, ब्रोंकाई में होता है, बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन द ब्रोंकियोल्स। डिफरेंस आ गया? यस मैम। ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स में मेन डिफरेंस क्या है कि जो कार्टिलेज है, कौन सा वाला कार्टिलेज है? ये हाइलिंग कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट रहता है, ट्राकिया में होगा, ब्रोंकाई में होगा, लेकिन ब्रोंकियोल्स में जो कि फाइन ब्रांचेस है उसमें नहीं। मान लीजिए कि अगर ब्रोंकियोल्स में कार्टिलेज होता तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? नहीं पड़ेगा, क्योंकि दीज आर फाइन ब्रांचेस, उसमें कार्टिलेज स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट नहीं हो सकता। इतना फाइन स्ट्रक्चर है उसमें कार्टिलेज का प्रेजेंस होना इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, कार्टिलेज का काम क्या है? प्रोटेक्शन देना ड्यूरिंग एक्सपीरेशन के टाइम पे, जो एक्सपीरेशन जो होता है मतलब अंदर का जो एयर है वो बाहर निकल के जा रहा है, उस टाइम में ट्राकिया को एंड ब्रोंकाई को प्रोटेक्शन देने का काम क्या है? किसका है? कार्टिलेज का। लेकिन ब्रोंकियोल्स में वो फाइन ब्रांचेस में नजर नहीं है। तो फिर डिवाइड कितना हुआ? ट्राकिया डिवाइड होके क्या बना? प्राइमरी ब्रोंकाई। उसके बाद वो डिवाइड होके क्या बना? सेकेंडरी ब्रोंकाई। डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करके ले आएगा। डीऑक्सीनेटेड ब्लड का मतलब
बॉडी पार्ट्स का, तब एक गैसियस एक्सचेंज होगा। कैसे होगा? मान लो कि ये सेल है, क्वेश्चन अगर हम हटा देते तो ये है सेल, सेल को हम लोगों ने दिया ऑक्सीजन, किसके साथ अटैच था? हीमोग्लोबिन के साथ। सेल से क्या लिया? CO2 लिया, ये भी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो गया। ये है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब इस लेवल पे एक गैसियस एक्सचेंज हुआ, हुआ कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया हीमोग्लोबिन ने, ऑक्सीजन उसको दे दिया। और इस एरिया में भी एक गैसियस एक्सचेंज होगा एल्वियोलाई रीजन में, जब ऑक्सीजन एल्वियोलाई रीजन में आया एंड यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज है उसके साथ उसका ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हुआ, है ना। तो एक हो गया हमारा पल्मोनरी एक्सचेंज और एक हो गया हमारा टिश्यू लेवल का एक्सचेंज। कितना लेवल पे हुआ एक्सचेंज? दो लेवल, एक हुआ फर्स्ट ये एंड सेकंड। आप बोलो एक चीज, जो प्राइमरी रीजन यहाँ पर हो रहा है पल्मोनरी एक्सचेंज, उस टाइम में ऑक्सीजन का प्रेशर इस ब्लड कैपिलरीज में ज्यादा होगा कि कम होगा? कम क्यों कम होगा? क्योंकि उससे डिफ्यूजन करके आना पड़ेगा ना, उसको हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आता है, क्योंकि उस टाइम में ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पोर्शन ज्यादा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वहां से आ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो बाहर से हम लोगों ने इनहेल किया, इंस्पिरेशन लिया, है ना। इंस्पिरेशन किया उस टाइम में ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलर पोर्शन में ज्यादा है, लेकिन ब्लड कैपिलरीज में कौन सा वाला पोर्शन? आर्टरी वाला पोर्शन, है ना। एक्सचेंज जो होगा उसमें से डीऑक्सीनेटेड ब्लड दे देगा और ऑक्सीजन किस पोर्शन से जाएगा? वेन वाला पोर्शन, मतलब पल्मोनरी वेन वाले पोर्शन से हो जाएगा, समझ में आया। और इस लेवल